गुमशुदा मोहब्बत, गुम ही रहे तो बेहतर है, कई दफा बेहतर होता है कि गुम ही रहे ना, ढूंढे उसे। नहीं, जो आप वीडियोस लगा रहे हैं ना उन बातों की जो मैंने कहीं भी नहीं है, मैं बड़ी नाराज हूँ। प्लीज क्या ड्रामा है कि कैप्शंस पढ़ के ना आप पहले वीडियो देखा करें, क्योंकि वो कैप्शंस कुछ ऐसे ही है। Promo was amazing. जब ओपन हुआ है पहला एपिसोड, मुझे वो जब कैमरा जाता जाता इतना देर कमरे को दिखा रहा है, मतलब दराजे खोल के बस रह गया था कि बटन पड़ा हुआ है तो जराब कहाँ रखी हुई है, तो सुई धागा किधर है, तो क्लिप किधर है, तो मैंने उसको, मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको 5 दफा रिवाइंड करके देखा, दोस्त ऐसा दोस्त होना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम विद दीज ब्रिलियंट जजेस नादिया खान, रुबीना अशरफ एंड मानिया बस्ती। बजा ले हमने तालियां, बजा ले। नहीं, जो आप वीडियोस लगा रहे हैं ना उन बातों की जो मैंने कहीं भी नहीं है, मैं बड़ी नाराज हूँ। प्लीज क्या ड्रामा है कि कैप्शंस पढ़ के ना आप पहले वीडियो देखा करें, क्योंकि वो कैप्शंस कुछ ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि वो असल में हम तो शो बना देते हैं। साजिश इधर ही, जजेस के ऊपर साजिश कर रहे हो, क्या हो रहा है मुकर्रम? मैं कुछ नहीं कर रहा, होता ही है कि जब यहाँ से एक हमारा एक मटेरियल बन के निकल जाता है, फिर आपको पता है हजारों पेजेस बने हुए हैं, हजारों यूट्यूब पे अलग अलग लोग हैं, वो उठाते हैं अब क्लिप उसके ऊपर लगाते हैं अपना कोई थंबनेल। हाँ, हर ख्वाहिश पे हमारा दम निकालते हैं, हर ख्वाहिश पे हमारा दम निकल जाता है, हमारा दम निकले। खैर, अब भी बड़े अरसे से कुछ और भी चीजें दम पे लगी हुई थी, है ना, जैसे चावलों को दम पे लगाते हैं, तो कुछ नए ड्रामे दम पे लगे हुए थे, पक्के तैयार हो चुके हैं, और मूवी भी एक मूवी भी है इस पे लास्ट में हमने बात करनी थी, लेकिन किसी ने नहीं देखी थी तो नहीं बात की। फिर मैंने कहा मैं तो जाऊँ ना, तो ड्रामा पे जाने से पहले जल्दी से पूछ लेते हैं, अच्छा क्या कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मनी बैग गारंटी आपने देखी? नहीं। मारिया? ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गारंटी होती है ना, वो गारंटी नहीं होती है, तो आई नो कि मुझे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो मनी बैग गारंटी थी। कैसी थी? अच्छा, मुझे ये कि मैं सुनती सबकी हूँ, करती अपनी हूँ। हाँ। तो सबका सुना और कुछ लोगों का बहुत नेगेटिव सुना मैंने, फिर मैंने सोचा फवाद बेवकूफ तो नहीं ना ऐसी कोई मूवी करेगा विदाउट बीइंग श्योर कि मैं किस चीज में अभी मैं हाथ डाल रहा हूँ, फिर फैसल कुरैशी और फिर इतनी सारी कास्ट। मैंने अपने मियाँ से कहा मैं चले चलते हैं देखते हैं, और हम गए, एंड ऑनेस्टली आई लाइक द मूवी, इट वॉज हिलेरियस। उसके जुमले, स्क्रिप्ट इतने मज़े का है, मुझे डायरेक्शन भी बहुत अच्छी लगी, और अगर जिसको डायरेक्शन से प्रॉब्लम है उसने शायद पिछली ईद पर जो 4 फिल्में रिलीज हुई थी वो नहीं देखी होगी, मैंने वो भी देखी थी, तो इसलिए मैं उससे कंपेयर कर रही थी, नॉट विद मॉलर जट और एनी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी, नो, आई वॉज कंपेयरिंग इट विद माई ओन मूवीज जो हमारी होती है और मैं देखती हूँ। उसके कंपेरिजन में एक तो ये कि पेट्रियाटिक मूवी है, बहुत अच्छे मैसेजेस है, इतनी रेलिवेंट है कि मैं हैरान हो गई, और इतनी बोल्ड है जो उसमें सियासी मजाक है ना, ये पता नहीं कैसे चल गई है, बट इट इज़ द एक्टिंग इज अमेजिंग, सॉन्ग्स, और फिर एक होता ना कि आपने एक बार देखी फिर मैंने दूसरी दफ़ा देखी, wow, और दूसरी दफ़ा मैंने डायरेक्टर और एक्ट्रेस के साथ देखी, फिर मानी शफा जो डोनाल्ड ट्रंप का उसने एक्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग, और मुझे मूवी में पता ना, मैं 2 दफ़ा देख चुकी हूँ और 3री दफ़ा जाऊँगी। चले जी, फिर ये तो हमने आपको रिकमेंडेशन दे दिया है कि मनी बैक गारंटी लाजमी देखें, नादिया खान देखें, क्योंकि यकीन मानी सेट पे हमारी बात होती, हम ये कहते हैं कि देखने जाएं ना देखने जाएं, बट आपने अच्छा क्या देखिए, और एक दफा नहीं 2 दफा देख ली, इट्स एन इंटेलिजेंट मूवी, यस, और अगर किसी को अच्छी नहीं लगेगी तो नादिया इज गिविंग द मनी बैक गारंटी, नादिया पैसे देंगे नादिन ये भी कहेगी इट्स एन इंटेलिजेंट मूवी, अगर आपको समझ नहीं है तो इसका मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं, हां ये भी बात कर दी, लेकिन दो चीजों के साथ, एक तो आप जाएं नेगेटिव उसके साथ कि जी बस भाई तो फिल्में खराब होती हैं ये वो, आपको कुछ नहीं अच्छा, कुछ भी जिंदगी में नहीं अच्छा लग सकता, तो गो विद अ पॉजिटिव माइंड कि अपनी फिल्म है अच्छी हुई तो प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, डायलॉग्स और सीन्स सिंबल लेंगे, जो पीछे तस्वीर भी लगी हुई है ना उसका कोई मकसद है, नोट के ऊपर मुस्तफ़ा कुरैशी छपे हुए हैं, मतलब हर चीज़ का, और फिर मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ तस्वीर बैंक में लगी हुई है उसकी, फैसल कुरैशी की, डायरेक्टर के हाथ ऐसे पकड़ा हुआ, मतलब इट इज़ अमेजिंग, हर सीन में डायलॉग्स के ऊपर कुछ है उसका मतलब, हंस हंस के हमारा हाल बुरा हो गया, तो जो फवाद ने कर दिया है ना बस, बहुत मजेदार सीन्स है। ओके, वाह भाई, चल अब तो देखनी पड़ेगी, अब देखनी पड़ेगी, मैं बता नहीं सकती अगले हफ्ते हम देख के आ रहे हैं, फिर हम इस पे थोड़ा सा तीनों मिलके तस्करा कर लेंगे, मैं यहां बोल नहीं सकती, थोड़ी सी इसमें कॉमेडी ऐसे बोल्ड है, बट वाओ, ओके, आई एम सेइंग दैट आई एम गोइंग द थर्ड टाइम टू वॉच इट, और कोई मैं इसकी को ब्रांड एंबेसडर नहीं हूं, मुझे वाकई अच्छी लगी फिल्म। नहीं, अच्छी बात है, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है आप उसको खुल के इजहार कर रहे हैं, और हमें आई थिंक यही अच्छा है कि हमें अपनी चीज़ों को, अपने ड्रामों को, अपनी फिल्मों को प्रमोट करना है, उसी के लिए हम भी यहाँ पर बैठे हैं, ताकि जो अच्छा काम है उसको सराहा जाए। अब काफ़ी अरसे से हमारे शो पे
कुछ ड्रामे थे जो बार बार हम जिनको रिव्यू कर रहे थे, लेकिन अब आज की एपिसोड बहुत ही ब्रांड न्यू है, क्योंकि आज की एपिसोड में हम पहले पोर्शन में जिन तीन ड्रामों का रिव्यू करने वाले हैं, तीनों दम पर लगे हुए थे और गरम गरम खस्ता करारे तैयार होके आ चुके हैं। ढक्कन उठाओ, सर्व, मिक्स एंड सर्व। तो सबसे पहले जिसका हम तस्करा करेंगे उसका नाम है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। MG प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर मोमिना दुरेद हैं, डायरेक्टर शाहिद शफाहत हैं, राइटर राहत जबी हैं, और इसकी जो लीड कास्ट उसमें शामिल हैं खुशहाल खान, दाना नीर मुबीन और फरा सादिया हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो शुरू करते हैं नादिया। नहीं, मैं तो बोल चुकी हूँ, अब वहाँ से आओ। बहुत बोला ब्रेक। सो आओ, जो थ्री न्यू, एक्चुअली चार नए ड्रामे आए हैं, हम उनमें से तीन को आज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो अगला हफ्ता हमारा होगा उसमें हम वो फोर्थ वन को भी इंक्लूड कर लेंगे, किसी एक को आगे फिफ्थ भी आएगा, एक और भी आ गया। अब तो माशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है, आई एम सुपर एक्साइटेड। हां, चीजें खत्म हो रही हैं, नई आ रही हैं। सो आउट ऑफ द थ्री प्लेस, बंदिश वाज द वन दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू। मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो काट दिया हमारे एडिटर ने, अनकट में। सो बंदिश आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकॉज आई लव्ड द Bandish one. Mm-hmm. And this one I was looking forward to because the promo was amazing. Kiska? The newness of the Mohabbat characters. Uh-huh. This one, the one that we are reviewing right now. आपको याद है हम यहीं पे थे, फैसल ने तस्करा किया था कि मैं इसकी कुछ चीजें देख के आया हूँ, ये ड्रामा बहुत जबरदस्त होने वाला है। एग्जैक्टली जहाँ पे आप बैठी हैं फैसल बैठे हुए थे, और बहुत पहले की बात है, आई थिंक 2 महीने पहले की बात है, जब हम बख्तावर को कर रहे थे तो उन्होंने कहा शाहिद शफाद नया प्रोजेक्ट कर रहा है, मैं उसके वो देख, मुझे अच्छी तरह याद है फैसल ने कहा था। उसमें क्या अच्छा लगा था? आई लव्ड द प्रोमो, इट वाज सो रिफ्रेशिंग, इट हैड जो प्रोमोज के लिए वो एक वो था लैंडमार्क, लुक एट दिस प्रोमो एंड मेक अ प्रोमो लाइक दिस। आई थिंक फैसल ने प्रोमो देखा था, शॉट्स, ऑल इंटरेस्टिंग शॉट्स, एपिसोड आई काइंड ऑफ फेल्ड मी बिकॉज पूरे एपिसोड में मुझे लगा दो बातें हुई हैं, एक वो लड़का लड़की एक दूसरे को चेज कर रहे हैं, एक दूसरे को के साथ खिलंडरापन कर रहे हैं, दोस्ती है जिसको वो दोस्त हैं जो एक दूसरे के साथ शरारत कर रहे हैं, और दूसरा वो पार्टी वाला सीन जो कि थोड़ा सा बच्चगाना था, इन द सेंस कि कोई भी आजकल के बच्चे, और हम आजकल के बच्चे दिखा रहे हैं इसमें सारे के सारे, ऐसा नहीं होता जब किसी फ्रेंड के साथ कोई एक उनका दोस्त पार्टी पे आता है तो वो कहते हैं ओ तुम्हारा इससे अफेयर है, इतना एकदम से चूंके आपने उनके दिमाग में डालना है कि तुम्हारा अफेयर है, तो सब कहना शुरू हो गए कि तुम्हारा अफेयर है। सो मुझे लगा कि थोड़ा सा एपिसोड वॉज अ लिटिल चाइल्डिश फॉर मी, इट फेल्ट लाइक ये कुछ बच्चे गाना है। मारिया, गुमशुदा मोहब्बत, गुम ही रहे तो बेहतर है, कई दफ़ा बेहतर होता है कि गुम ही रहे ना ढूंढे उसे। व्हाट आई, मैंने प्रोमो नहीं देखा और फैसल का रिव्यू भी नहीं था मेरे पास, मैंने जब आप लिस्ट आई तो तभी इसको एपिसोड देखा। आई अंडरस्टैंड कि पहली जो एपिसोड होती है वो इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं आप कैरेक्टर्स का कि हाउ दे गोइंग टू फिट इट, बट पहली ही एपिसोड में कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए विच विल टेल यू कि ये सीरियल मैंने देखना है या नहीं देखना है। यू डिसाइड, यू नो, आप वेट नहीं करेंगे चौथी एपिसोड का, जब कोई बड़ी चीज हो जाएगी तो आप। अच्छा, फॉर मी इट वॉज एन ऑर्डिनरी एपिसोड, मुझे बहुत अच्छा लगा ग्रीनरी, खूबसूरत फ्रेम्स देख के जी इस्लामाबाद है तो वो जो आपको आउटडोर आप एक्सपेक्ट करते। दूसरा प्रॉमिसिंग थिंग मुझे ये लगी कि अच्छा ये यूथ के ऊपर है, लड़के लड़कियाँ जो कॉलेज की हैं आजकल की उनके ऊपर है, एंड साथ ही एक फैमिली डायनामिक भी चल रहा है, हाउ बच्चे परमिशन लेकर नहीं जाते, लाइसेंस नहीं होता, ये चीज़ें थोड़ी सी प्रोमिनेंट की क्योंकि इनकी वजह से मे बी आगे रिपरकशन आप दिखाएंगे, परमिशन लेकर ना जाना, लाइसेंस ना होना, ये बात करना कि अफेयर है किसी का और इस बात पर लड़ाई हो जाना, देन अगेन एकदम वो जो दूसरा उसका दोस्त है वो ये कहता है कि तुम ये क्यों कह रहे हो, ये उसको रीबट करता है कि डोंट से दिस, गलत बात है ये कहना कि जो भी लड़की आएगी उसका उसके अफेयर होगा, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि ये दोनों चीज़ें होनी होती हैं, अगर कोई मजाक कर रहा है कि हाँ भाई तुम्हारा इसके साथ चक्कर है तो देर और इज अ फ्रेंड हु सेज कि भाई। सो ये आप बातें जी
सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, और लड़कों के जहन में मैंने देखा है पार्टीज में कि लड़कों के जहन में किसी भी लड़की आ रही है, जहन में बात जरूर आती है, ओ रात को इतनी देर में निकली तो जरूर ये जरूर ये, अच्छा हाँ, तो ये हाईलाइट हो रही है बात, ये आई थिंक इज इस वक्त का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे जहनों में, आम बात हो गई है ये और हम इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इसमें अंदर मुझे मुझे लग रहा है कि ये बात आपने हाईलाइट की है, तो अब शायद अगला लड़का कोई ऐसा बात करने लगे किसी के बारे में भी, तो शायद रुक जाए, यू नो इट्स, और जो दूसरे उसके दोस्त ने कहा है कि यू शुडंट बी सेइंग दैट, आई मीन ये बिल्कुल गलत है कि तुम इसका इल्जाम लगाओ, वो आई है उसके साथ, हमें इज्जत करनी चाहिए, सो ये एक अच्छा पॉइंट है अगर इसको यहाँ ख़त्म ना कर दें और आगे लेकर चलें। एक फैमिली डायनामिक इसके अंदर नज़र आ रहा है जो इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि ये कहानी कहाँ जाती है, सो आई विल वेट फॉर द सेकेंड एपिसोड कि मैंने फिर इसको अगर आप कहेंगे तो फिर देखूंगी, वरना फिर मैं नहीं देखूंगी, बट हो भी सकता है कि कुछ हो, नहीं ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा, डबी तो ड्रामा बना है ना दिया। अच्छा 2019-20 में रहा जबीन का खवातीन डाइजेस्ट में ये मंथली स्टोरी आती थी, तितली जैसा प्यार, तितली जैसा प्यार, तितली जैसा प्यार, तो तितली जैसा प्यार को मोहब्बत गुमशुदा है मेरी का नाम दे के वही नॉवल, वही वो स्टोरी जो है वो अब आप ड्रामे की सूरत में देख रहे हैं, और एज अ स्टोरी ये बहुत पसंद की थी लोगों ने, ट्रेजिडी है इसमें, इसमें स्टोरी है टीनएजर्स के कभी कभी उनके फैसलों की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं जो उनके करीब हैं, तो स्टोरी तो हिट है, अब जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है ड्रामा बना के तो कभी कभी थिंग्स गो रॉन्ग, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई नॉवल्स हों स्टोरीज जब वो ड्रामा बनती हैं ख़राब हो जाती हैं, तो मैंने जब देखा मुझे एक्टिंग अच्छी लगी, दोनों खुशहाल तो खैर बहुत ही अमेजिंग है, दाना नीर का मैंने पहली दफ़ा काम बड़े फोकस होकर देखा कि मुझे जज करना था, व्हाट अ नेचुरल एक्टर रियली, तो दोनों बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जब ओपन हुआ है पहला एपिसोड मुझे वो जब कैमरा जाता जाता इतना देर कमरे को दिखा रहा है, मैं खाली दरवाजे खोल के बस रह गया था कि बटन पड़ा हुआ है तो जुराब कहाँ रखी हुई है, तो सुई धागा किधर है, तो क्लिप किधर है, तो मतलब बहुत डिटेल थी, ड्रैग था वो तो, लेकिन लोगों को कमरा बहुत पसंद आया, बहुत लड़कियों ने कह रही था मेरा कमरा भी ऐसा है, मेरा कमरा भी ऐसा है, सेटिंग हिट हो गई बहुत ज़्यादा कमरा एस्टैब्लिश हो गया, बट स्टिल जो हमें शुरू में घर दिखाया मुकर्रम वो बाद में वो घर ही नहीं है, नहीं और ये आपने भी शायद नोट किया होगा जो घर का एक्सटीरियर दिखाया जो पहला शॉट था वो उसमें एक बड़ा सा लॉन है, फिर उसके बाद एक गैराज, फिर आगे जाके घर शुरू होता है, और जब वो छत पे होते हैं तो सामने रोड होती है, बीच में लॉन नहीं, वो पिछली साइड भी हो सकती है घर की, समझ नहीं आया वो थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, पीछे आपके अगर टेरेसेस हो और घर ऐसा भी होता है कि कहते हैं घर के पीछे लॉन होता है, जबकि वो हमारे कहने पे हम ये जो है इट कुड बी पॉसिबल, या दिस कुड बी पॉसिबल कि वो बैक साइड पे कमरा हो तो वो पीछे टू यूज द स्पेस, यार कहां जमीन ज्यादा मिलती है, ये फिर उसके बाद एक चीज जो मुझे समझ नहीं आई कि ये सालों से साथ रह रहे हैं, ठीक है ना, नेबर्स हैं, एकदम नया तो कोई आया नहीं, तो अगर इनमें इतनी दोस्ती है तो ये पहले भी अपनी फ्रेंड्स से इसने मिलाया होगा, पहले भी इसके साथ कहीं ना कहीं जाती होगी, अचानक एपिसोड शुरू हुआ तो वो पार्टी पे चले गए और वो सारा कुछ ऐसे लग रहा था कि जैसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, हालांकि जानते हैं दूसरे को तो फ्रेंड्स भी थोड़े बहुत कॉमन होते हैं, पता होता है उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा उनको लगा और ये उसका होने वाला बहनोई इतना पजेसिव क्यों है और वो इतना कंसर्न क्यों है, वो सब एक साथ ही इस घर में रहते हैं, आपको पता है दोनों फैमिलीज नहीं दो अलग घर साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, नहीं नहीं वो जो उस घर में है वो तो दो फैमिलीज हैं और इधर हम फैमिलीज हैं, तो वो जो बहनोई भी है वो नहीं, वो जो बहनोई एक बना हुआ है जो कहता है कि कहां पता करो मैं लेने चला जाता हूं, मैं दो भाई फैमिलीज एक घर में रहते हैं और ये जो लड़के वाली है इधर, ये पता है आपको वो दो फैमिलीज एक घर में रहती है और एक अलग फैमिली है जो खुशहाल की फैमिली है, बट इधर अच्छा तो ये कजन भी है वैसे, तो कजन इज रियली कंसर्न कि कहां चली गई है, कजन भी है और वो भी, बट यू सी जो इसमें किसी का परमिशन लिए बगैर जाना कहना फ्रेंड का। रवीना आपा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब वो गाड़ी रोकते हैं खराब होती है, पेरेंट गाड़ी खराब होती है, वो रुक गए हैं, वो कहते हैं चलाओ चलाओ पेट्रोल नहीं है, फिर पुलिस आ जाती है, वो इतना घबराता है क्यों है, वो घबराहट लाइसेंस नहीं है, ठीक है पेपर्स नहीं है, उसके बाद वो चला जाता है गाड़ी चल जा चली चल चलने लग जाती है, ये क्या था, कैन यू एक्सप्लेन इट, कोई दिस वाज द क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट नीड टू बी एक्सप्लेन्ड हियर। मारिया आपने भी एक्सप्लेन किया था, अब इसका एक्सप्लेनेशन दे मुझे, इसके एक्सप्लेनेशन ये है कि वो जो बिल्कुल थोड़ा सा यू करके रह गया था ना, वो जो होता है टंकी के नीचे सोलर सोलर हो गई थी, हाँ सोलर हो गई थी, और वो क्या कहते हैं जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो बेखैर उसको गाड़ी भी सही तरह नहीं चलानी, हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, हीटअप कर गई हो उनकी बातों की वजह से शायद, कितना फिर ठंडी हो गई गाड़ी है ना। अच्छा इट वॉज रिफ्रेशिंग टू सी लैला जुबैरी फराह सादिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ड्रामे में, लेकिन उसमें सबसे प्यारा लगा मुझे दोस्त था,
जो बिल्कुल सनी देओल था, बाबा वो बहुत ही क्यूट है भाई, वो कहाँ है? ये जब दोस्त बनते हैं ना, अच्छा, यूनिक, अच्छा, मैंने अब, उसको मैं आपको बताऊं, मैंने आपको 5 दफा रिवाइंड करके देखा, दोस्त मैं ऐसा दोस्त होना चाहिए। आपने नोट किया, इतनी प्यारी डायलॉग डिलीवरी, सनी देओल, मैंने कहा व्हाट, रिवाइंड करो, फिर रिवाइंड, पूरा सनी देओल था, पापा वो लड़की बहुत अच्छा, उन दोनों की दोस्ती में एक अचार भी डाला था। क्या कहेंगी, प्लीज माइक ओवर टू यू। चारा अचार का क्या कसूर था, वो डला भी नहीं सही से, इतनी जल्दी में डल नहीं सकता था ना, मतलब मरगला में एक अच्छे मतलब जीत टेंट आई मिला, मरगला के करीब था, आप बैठे हुए एक्सपेंसिव इलाके में बैठे हुए, और आप दो खवातीन जो हैं जो उस पर दे कैन टॉक अबाउट कि नई फलानी डिजाइनर की नई लॉन कौन सी आ रही है, क्या आ रहा है, अचार डाल, वेरी रियलिस्टिक आई वुड से, अचार के बगैर तो देखिए मजा नहीं है जिंदगी, और वो जो कटिंग भी थी ना, चाहिए पहले तो कटिंग ही ठीक नहीं थी, और उसके बाद ठीक है, हाँ ऑयल डाल दें, बड़ा ज़बरदस्त था वो बिजनेस मैन, लेकिन मैंने ये कहा चलो शुक्र है हमें हमेशा जो सब्जी देते हैं ना काटने को, मैंने बहुत सब्जी काटी है ड्रामा में, उससे डिफरेंट था। राइटिंग की तरफ चलते हैं, राहत जमीन डाइजेस्ट में बहुत अच्छा था, ड्रामे में वो मज़ा नहीं आ रहा अभी तक, बट फर्स्ट एपिसोड है तो ज़रा हाथ होला, और नोकझोंक अच्छी है बच्चों की, नथिंग इम्प्रेसिव, तो आई विल गिव इट अ 5 ओके जॉब। फर्स्ट एपिसोड वाज एक्चुअली एन ओके जॉब बिकॉज एंड नॉट सो मच एन ओके जॉब बिकॉज मेरा ख्याल है द वीकेस्ट लिंक इन द प्ले वाज द राइटिंग। डायरेक्टर ने भी पूरी कोशिश की हर सीन में जान डालने की, बच्चे भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन सिचुएशंस जो थी वो बहुत बिलीवेबल रिलेटेबल दोनों ही नहीं थी ना, वो लग रहा था कि हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। देखिए अब हम बहुत इंटेलिजेंट किस्म के काम, फैसल जैसे कहते थे ना 2023 है भाई, सो हम बहुत दुनिया का इंटेलिजेंट काम देख रहे हैं। अब नेटफ्लिक्स यहाँ पे आ चुका है, चीज़ें यहाँ पे आ गई, अब दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, बहुत कुछ आ चुका है, नॉट ओनली नेटफ्लिक्स, तो ये थोड़ा सा अन इंटेलिजेंट राइटिंग थी, सो 5 from 5 मारिया। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा राहत जबीन जिसने बहुत सेंसिटिव छोटी छोटी चीजों को हाईलाइट किया है ना, वो कन्वे हुई है बात कि हाँ लड़कियों का रात से रात को लेट निकलना, सेकंड दोस्तों को कैसे सोचते हैं कि लड़की बाहर निकलती है, वो वाली बात, और फिर ये कि पड़ोस में रहने वालों की जो आपस में एसोसिएशन होती है जब बड़े हो जाते हैं तो उस तरह से फैमिलीज कैसे रिएक्ट करते हैं, भाई तुम अब इससे कमरे में नहीं जा सकते, अब यू नो वो छोटी छोटी बातें उसमें थी, आई थिंक वो यही कन्वे करना चाह रही थी यहाँ तक मुझे। नहीं, ये सारी चीजें तो एक जब आपका एक मेजर प्लॉट है जिसके अंदर मेजर इवेंट्स हो रहे हैं उनके साथ साथ ये सब उसकी तरह ना आप मुझे बिल्ट अप करेंगे चीज़ें। ये चीजें जो हैं वो आप अच्छा मैसेज बुरा मैसेज चीजें ये चलती रहती हैं, बट इवेंचुअली इट इज नॉट अ खबरनामा, इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, यू हैव टू हुक योर व्यूअर्स विद समथिंग हैपनिंग कि जी अब कुछ होगा। पहले एपिसोड में कोई ऐसी चीज एक्सपेक्ट हो, इट्स अ गुड थिंग दैट यूथ न्यू फेसेस मिक्स्ड विद आपके ब्यूटिफुल इस्लामाबाद एंड यू नो द एक्टर्स, बट आई वॉन्टेड समथिंग के जो मुझे ओ माई गॉड आई वॉन्ट टू सी के अब क्या है, सस्पेंस हो कुछ हो लाइक समथिंग आई वॉन्ट टू सी के क्या है, तो वो ऐसे लगा कि अभी कुछ नहीं हुआ, एंड पहला एपिसोड है तो जाके पहले एपिसोड में गाना भी था और अब मुझे बड़ी खुशी हुई गाना सही तरह गाया गया, मुझे प्यार हुआ था कि इतना गाना नहीं गाया गया। गाना भी थोड़ा सा टॉर्चरस था, तुम टॉर्चर नहीं था इसलिए कि वो पहले एक जब वो कह रहे हैं तुम्हें मोहब्बत है तुम्हें मोहब्बत है तुम्हें मोहब्बत है पे गाना एक बैकग्राउंड में चल गया, मुश्किल खत्म हुआ था तो कहा कि जरा गाना सुना दे, अरे अभी तो हमें गाना सुन के हटे हैं फिर गाना सुना दे, तुमने मार्क्स नहीं दिया। अच्छा मुझे मौका नहीं मिला था तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो आई थिंक इट्स अ 5 ओके जॉब। डायरेक्शन शाहिद शफाद, मुझे पता है डायरेक्टर्स पे आजकल तरस आ रहा है, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो चैनल जो डायरेक्टर के हाथ मुंह कान पैर काट के काट देते हैं, अब बनाओ ड्रामा अब बनाओ, ऐसे ही बन रहा है, मैंने अपने आंखों से देखा है किसी चीज में उनकी से नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि कुछ चैनल्स के
डायरेक्टर्स को रेट ही ना करें, उनको सिर्फ कहें सर बहुत अफसोस हुआ, हम आपके साथ हैं, आपके गम में शरीक हैं, क्योंकि उनकी कोई से नहीं है, लगता है बस आए काम किया। आई हैव सीन देम हेल्पलेस कि उनकी कोई किसी स्क्रिप्ट में से नहीं है, कास्टिंग में से नहीं है, कुछ चेंज करना कुछ मतलब कॉस्ट्यूम्स में भी से नहीं है, तो फिर वो बेचारे क्या करें। तो आई डोंट नो, मैं तो मुझे कहा है डायरेक्टर्स ने कुछ कि हम इतने फेड अप बना दिया, ग्रीन इज़ गोना बी अ गेम चेंजर दे सही, कि उसके बाद इंडस्ट्री में ऐसा चेंज आएगा। अब उनके पास एक दो साल का तो मटेरियल, महीनों का उनके पास ड्रामा है, ठीक है, जब वो आएंगे तो चैनल्स के पास, और वो चेंज अगर एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, पता है इंडस्ट्री बदलने वाली है, रेवोल्यूशन आ जाएगा वंस द पीपल एक्सेप्ट दीज ड्रामाज, ख़त्म जो हम आज तप रहे हैं सर पिट रहे हैं ना, ख़त्म हो जाएगा, नए ड्रामास का दौर आएगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे। प्लीज़ डू वॉच, जब आप नई चीज़ डिफरेंट चीज़ देखें उसको देखें, ताकि बाकी चैनल्स फिर उसको फॉलो करें। तो इस वक्त प्रोडक्शन हाउसेज भी कह रहे हैं कि ये हिट हो जाएं ड्रामे, ताकि हम कुछ डिफरेंट बनाएं। दैट इज़ सो ट्रू, वी ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रीन। यस ग्रीन, यस, एंड यू मस्ट वॉच, अच्छी बहुत ज़बरदस्त, और महीनों की ट्रांसमिशन। अच्छा, चैनल डरा हुआ है, चैनल्स डरे हुए हैं कि इनके पास इतने ड्रामे हम कैसे बनाएंगे, तो बैकअप में वो लिखवा रहे हैं ड्रामे, शूट नहीं करेंगे। They want to see कि क्या ये फेल होगा या ये चलेगा। Okay. तो इस वक्त बहुत, मैं आपको बताऊँ, बड़ा मज़ेदार सीन चल रहा है अंदर अंडरग्राउंड। तो बाहर कमिंग टू द डायरेक्टर, बस मैं जिसके लिए आपने काम किया है उधर, मैं आपको बस बहुत सारी हमदर्दी करूँगी कि आई नो कि देर आर लॉट ऑफ लिमिटेशन। मुझे वो वक्त याद आता है, हसीना मोइन बैठी है, मोहसिन अली बैठे हैं, हसीना ऐसे लाइन ये रखो, ये करते हैं वो करते हैं, मोहसिन ऐसे होता है, कितना मिल के काम होता था भाई, अब ऐसा नहीं है, और वो नज़र आ रहा है मैं अपने ड्रामों में। तो डायरेक्शन में फाइव ओके जॉब, नथिंग अमेजिंग। हमने शाहिद को बख्तावर पे इससे पहले किया है रेट, एंड दैट वाज अ टोटली डिफरेंट जॉनरा। ये जो लव स्टोरी जॉनरा ही कहेंगे ना इसको, ये कुछ ऐसा है और कुछ नया है मेरा ख्याल है शाहिद के लिए भी। उन्होंने इससे पहले इतनी यंगस्टर्स की लव स्टोरी टाइप कोई चीज़ नहीं की। So I would like to appreciate him on the setups. मुझे balconies बहुत खूबसूरत लगी, जाहिर है उसमें production का ज़्यादा हाथ है, मगर director का भी कहीं हाथ है। मगर मुझे scenes ज़रा से ज़बरदस्ती लगे, उनकी duration, उनकी editing थोड़ी सी बदल के, जैसे वही मैं कह रही हूँ ना, एक पार्टी में जब बैठे हैं और किसी ने कह दिया, और आपको तो पता भी नहीं था हीरोइन को कि मैं शायद इससे मोहब्बत भी कर सकती हूँ, तो वो तो बेफुल हो गई इस बात पे कि अच्छा तो नहीं नहीं तुम्हारा फेयर है तुम्हारा, तो यू नो, एंड देन शी स्टार्टेड लुकिंग एट हिम। चलो एक दफ़ा देखा, दो दफ़ा देखा, 50 दफ़ा देखा तकरीबन, इतना ज़्यादा देखा, और ये इंटरकट्स लगते रहे और लगते रहे और लगते रहे। वो गिटार बजा रहा होता है, वो गिटार बजा रहा है, और वो मतलब गिटार बजाते हुए भी ऐसा नहीं था कि उसको नज़र नहीं आ रहा, मतलब ये बहुत ऑड मोमेंट था मेरे लिए, एंड फॉर समबडी टू बी डायरेक्टिंग दिस एंड लेटिंग दिस गो इन ऑन इन द एडिट और स्क्रीन पे आने देना। तो शाहिद के नंबर कट गए, तो शाहिद के नंबर कट के रह गए हैं 4। आगे देखते हैं अब क्या करते हैं शाहिद, प्लीज। 404 है ना, 404 चार नंबर दे दिया है। ये सीन पुलिस वाला सीन जबरदस्ती का था, जबरदस्ती का था, वही गाड़ी स्टार्ट हो गई, क्या कहें, कोई लॉजिक जरा सी दे देते, कोई वजह होती, उठ के देख लेता, आई डोंट नो, बट देयर वर थिंग्स। नहीं मुझे पुलिस से अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, पुलिस कभी इतनी जल्दी आई है? नहीं पुलिस वहां पे गोली चली थी और पुलिस आ गई थी एक सेकंड के अंदर, पता नहीं ये कैसे हो जाता है, साथ साथ चल रहे बच्चों को पकड़ने और बाइकर्स को पकड़ने पुलिस। अच्छा मुझे ये लगा कि इनके पास कुछ पैकेट है, कोई खा के चीज ले आए हैं। हाँ। रुबीना मुझे लगा जो पुलिस आई कि जितना घबरा गए थे पुलिस के नाम से, नहीं उतरोगे तुम, नहीं उतरोगे तो सारे शहर में दो बच्चे गाड़ियों में फिर रहे हैं, मतलब ये क्या था कि बच्चे पुलिस इतने घबरा क्यों गए, हम क्या दिखा रहे हैं हमारी पुलिस। उससे क्या कहा पुलिस को कि पुलिस चुपके चली भी गई, पता है मैं किसका बेटा हूँ, मेरे चाचा कौन है, तुझे नहीं पता किसका बेटा है, 2000 रुपए यही हुआ होगा, कह नहीं वो क्लियर नहीं हुआ। अच्छा आप, अच्छा शाहिद मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा अपना रोमांस अपनी असली जिंदगी में मिलाने की जरूरत है ना, है ना, मुझे ये लग रहा है कि शाहिद आप सुन रहे हैं कि मारिया क्या कह रही है ना, शाहिद आप अकलमंद, इशारा काफी है, मारिया ने आपको क्या बात कह दी, तो रोमांस, यू नीड सम मोर रोमांस इन योर लाइफ, द लेटेस्ट 2023 वाला जरा रोमांस लेकर आए। कह रही है ना कि लाइक जॉनरा डिफरेंट है, बख्तावर का डिफरेंट है, तो ये वाला डिफरेंट है, तो जरा यू नो
It's good to have romance in your life. नहीं, शाहिद साहब मैरिड है. मैं रोमांस की बात कर रही हूँ. उसका शादी शुदा होने या ना होने से क्या ताल्लुक है? शादी शुदा लोगों की भी जिंदगी में रोमांस नहीं होता. और ऐसी हेडिंग बनाएंगे ना मारिया, तुम पता नहीं है. तो उनको जिंदगी में रोमांस चाहिए. और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अपनी रोमांस लाएंगे फिर आप उसको स्क्रीन के ऊपर उस तरीके से डिपेक्ट करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे करके नहीं देख रहा, देयर अदर वेज ऑफ यू नो पुराना जमाना वो फूल नहीं मारना आपने, सम अदर वे ऑफ यू नो द न्यू वे ऑफ यू नो रोमांसिंग. तो इसके ऊपर बात हो सकती है यू नो, या उनसे पूछ लें कि बेटा आजकल क्या आप कर रहे हो, है ना, वो चीजें डाल लें. नॉवल भी पुराना लिखा हुआ है. पूछते हैं कि भाई आजकल तुम लोग कैसे इस किस्म, हाउ डू यू कम्युनिकेट, हाउ डू यू शो अफेक्शन, द ज़ेन येन जो जेन ज़ी और पता नहीं क्या कुछ. सो चीजें चेंज हो रही हैं. पहले तो सालों डेकेड्स में होती थी, अब तो मिनटों में हो रही है. तो पहले तो लिखते थे फकत आपकी उज़्मा, अब तो ये हालात रहे नहीं हैं. तो अच्छा नहीं आप अवेलेबल, हेलो. तो माइंडसेट अब तो ज़ूज़ू उज़ी पता नहीं क्या. पता नहीं क्या. और वो जो सारे आपकी एब्रीविएशन थे इनका, आपका एल ओ एल का क्या मतलब है, तो एल एम ओ, खैर इतने आते हैं हमें. लेकिन और भी बड़ी चीजें हैं, ये तो फिर मिलेनियल्स वाली चीज थी. तो ये तो जेन ज़ी बहुत ही अलग है. तो नंबर शफात के, शायद इट्स अ गुड थिंग दैट ही इज यू नो ब्रिंगिंग सम यूथ के ऊपर ये हो रहा है. आई थिंक इफ द, अगर ये नॉवल पहले अच्छा गया है, आई मीन पॉपुलर हुआ था, तो मे बी इसमें कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न जरूर होंगे जो आगे जाके कैप्चर होंगे. तो आई गिव हिम सिक्स. ओके, अब जी एक्ट्रेस की तरफ चलते हैं. फीमेल एक्टर में दाना नीर मुबीन, मैं ठीक नाम ले रहा हूँ, दाना नीर नाम है ना. नेचुरल, मज़ेदार, बहुत अच्छा उसका जो जिस तरह लिखा हुआ है, जैसे उसको करना चाहिए था उसने वैसे ही किया. शी इज़ वेरी लाइवली, लगता नहीं कहीं लाइंस याद करके बोल रही है, बड़े नेचुरल फ्लो के साथ बॉडी लैंग्वेज ये वाइट. शी इज फाइन. सेवन. Seven. फॉर द फर्स्ट एपिसोड अभी से ज़्यादा अच्छा जाएगा. गाड़ी वाले सीन में जिस तरह बात करती है और वो बहुत नेचुरल लग रहा था आपस में उनका. बहुत बहुत अच्छा, गुड़िया. आई थिंक शी वॉज अ गुड चॉइस फॉर दिस कैरेक्टर. She's a fine actor, I presume, because when I saw her in Sinfe Aahan, I really liked her out of the whole lot. Isme mujhe wo thodi si overacting ka shikar nazar aa rahi hai. Maybe she's been told to act like this, kyunki wo abhi acting ki us jagah pe nahi hai jahan actor khud apne aap feel kar sake ki mujhe yahan tak karna hai aur iske baad ruk jana hai. सो थोड़ा सा मुझे ओवर द टॉप लग रहा है उनका हवे ऑफ प्लेइंग दिस कैरेक्टर. बट शी इज स्टिल एब्सोल्युटली अ फाइन चॉइस टू बी प्लेइंग अ बबली गर्ल्स कैरेक्टर. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर डूइंग बेटर. फॉर नाउ आई विल गिव हर अ सिक्स. सिक्स. मारिया, मैंने इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हर ऑन स्क्रीन. इससे पहले मैंने उनका कोई ड्रामा नहीं देखा इस बच्ची का. बट I saw the confidence. This is only her second. अच्छा. हाँ, तो she has the confidence and she's doing it well. वो अब director पे depend करता है कि director is supposed to tell you what not to do. एक actor भी इस तरीके से काम कर रहा है. But maybe the director wanted this. But अगर आपकी यही कहते हैं कि आप बबली हैं, आपने कूदना है, आपने ये करना है, you're that kind of a person. But उसकी भी लिमिट्स कितना करना है और कितना नहीं करना वो डायरेक्टर कैन टेल यू. तो आई फील के मे बी दिस इज़ व्हाट द डायरेक्टर वांटेड, कि इतना ही हो. और एक्टर्स यू नो दे आर डूइंग फाइन, ऑल ऑफ देम जितने भी हैं नए इसमें नज़र आ रहे हैं. एंड शी इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल एंड शी हैज़ द पोटेंशियल. मुझे लगता है कि ये बबली भी है और आगे, सॉरी मैं कंप्लीट कर लूं बात. आप यहाँ आके ना तीसरे बंदे पे हमेशा कहते हैं कि जी बस कर रहे हो. एंड मैं ओके सॉरी ओके बस ठीक है. नंबर सिक्स. अब मैं सिर्फ नंबर दिया करूंगी बस. नहीं, तीसरे नंबर पे शायद मैं हूँ या कोई भी आता है ना उसके साथ में, तो मैं अब नंबर देता हूँ. शुक्र है तीसरा नंबर स्टैटिक नहीं है. हाँ, वो सब बदलते रहते हैं, वो सब पे ये वक्त आता है. मारिया, नहीं नहीं नहीं, वो तो कह रही हूँ रोटेट हो रहा है, तो मैं नंबर नाल तैयार हूँ. मैं लिख लेते नंबर, मैं हूँ दे दे. अच्छा नंबर.
अब जी खुशहाल खान नादिया, अच्छा एक्टिंग के स्केल होते हैं ठीक है ना, कि किस मैंने स्केल पे एक्टिंग करनी है। हर एपिसोड में 5, 6, 7, 8, 9 पे चलते हैं। खुशहाल बहुत टैलेंटेड लड़का है, लेकिन वो हर सीन 10 पे करता है। फुल जान मार दो, फुल एनर्जी लगा दो, फुल हाइपर हो जाए, ये गड़बड़ हो रहा है। तो एक इससे मोनोटोनस उसका काम हो रहा है, मैंने काम भी उसके साथ किया है। कुछ स्केल्स बचा के रखो मेन सीन्स के लिए जहाँ आपको फुल जान मान ली। गाना गाते हुए भी वो इतनी जान, इतना हाइपर हो जाता है कि मुझे वहाँ से घबराहट हो जाती है कि नहीं, ही नीड्स टू काम डाउन, ही नीड्स टू जस्ट गजल की जगह मेटल, रॉक मेटल बन गया। हाँ, क्योंकि वो जो एक हमारा वो था भी वैशी ड्रामा ना, तो उसमें वैशी बना हुआ है, तो वो जब नॉर्मल सीन भी आते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो बहुत जान मार देता है, बहुत तेज तेज बोलेगा, बहुत हाई। अच्छा, जो बात की ना रुबीना जी ने कि दाना नीत कहाँ ओवर हो रही है, जहाँ ये लड़का, जहाँ खुशहाल है, खुशहाल इतना फास्ट और उसको टेम्पो आगे लेके जा रहा है कि दाना नीत अपने नॉर्मल टेम्पो से आगे जा रही है, बिकॉज उसको अफेक्ट करता है ना, वो भी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है कि अपने स्केल पर रहे। आई थिंक दोनों ही नहीं है, दोनों के दूसरे दूसरे एनर्जी ड्रिंक पता करें कि कौन सा पी रहा है। खुशहाल ने कभी काफी काम किया है, दूसरा ड्रामा नहीं, लेकिन उस पे सब पे उसका नोट करें, एक जैसा काम, वेरी वेरी हाई, वेरी फास्ट स्केल, बहुत हाई स्केल पे हर सीन कर रहा है। नॉर्मल भी जो डायलॉग है ना, उसको जान से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्टर अच्छा वो है जो ये अपन फैसल को रेशी कर, ये ऊपर नीचे ऊपर, ये ऊपर ही है तो बाथरूम भी जाना, तो इतना जरूरत नहीं है। तो आई नीड टू सी हिम कामिंग डाउन in some of the scenes, इधर गड़बड़ हो रही है, एक्टर बहुत अच्छा है और उसी की वजह से दाना नीर भी अपने स्केल से ऊपर जा रही है उसके साथ जो सीन्स हैं, वरना शी इज़ फाइन। तो नहीं, टू फास्ट फॉर मी, ये मुझे लगा कि ये सारे जो है ना अपने नंबर्स, ये हाइपर लग रहा है लड़का, हाइपर, ADHD हो जैसे उसको, हो सकता है हो लाइक कैरेक्टर, हाँ इतना हाइपर है कि उसको कुछ दवाई देकर ना काम डाउन करे, क्या नॉर्मल भी बात कर लो। तो मुझे ये काम अच्छा लगा, आई गिव हिम, फर्स्ट एपिसोड है, आई वांट टू सी इंप्रूवमेंट, 4 4 एक होता है नेचुरल काम, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, बहुत फास्ट है। ओके, बहुत फास्ट है, डायलॉग ही नहीं समझ आ रहा है। सो फॉर मी द ओनली सेविंग ग्रेस ऑफ दिस प्ले वाज खुशहाल। ओके, आई कुड सिट थ्रू द 1 hour ऑफ वॉचिंग दिस प्ले ओनली बिकॉज ऑफ दिस गाय। अभी जो मैंने आपको दाना नीर की बात बताई कि मुझे वो थोड़ी सी ओवर द टॉप लग रही हैं, उसको जस्टिफाई मैं इसी तरह करूँगी कि खुशहाल ने अपने आप को ओवर द टॉप कहीं होने नहीं दिया। खुशहाल ने जहाँ नीचे जाना था वहाँ वो नीचे गया है। सॉरी, आई एम टोटली डिसएग्रीइंग विद व्हाट नादिया इज सेइंग, दैट्स फाइन। वो जहाँ नीचे उसको होना था वहाँ वो नीचे हुआ, जहाँ उसने 5 दफ़ा लड़की को नहीं देखा, क्योंकि वो एक फिर भी 4 ड्रामे ओल्ड ही है चाहे, और मेरा ख्याल है ये उसका 4th है, अगर 3rd नहीं तो 4th एग्जैक्टली आई थिंक। मगर उसने इतनी सेंसिबिलिटी उस बच्चे में है कि उसको पता है कि कहाँ नीचे होना है, कहाँ ऊपर। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम मेजर गुड परफॉर्मेंसेस बाय हिम इन दिस प्ले। अगर इस ड्रामे को कोई उठाएगा और चलाएगा तो वो खुशहाल होगा। फॉर मी, फॉर दिस 1 episode विच वॉज रियली नॉट very well written and not greatly directed, Khushal was the one person who, you know, sailed it through. I will give him a 7 for sure. 7, very good job. So Khushal Khan ke natawa kandhon par pure drama ka bojh hai, pakko Rubina Ashraf maar 7 nahi aapko pehle nahi mari hai, sorry. नहीं, एक बात बस एनर्जी ड्रिंक बता दे मुझे, 7 ठीक है, 7 अच्छा बताएं ना, बताएं एनर्जी ड्रिंक 7 एनर्जी ड्रिंक वेरी गुड, क्या ये जो पी रहे जिस पे भी आ मक्खी आज एंजॉय कर रहे आप 7 एंड एनर्जी ड्रिंक जिस पे वो है अच्छी एनर्जी एलो जी फिर मेरे वालों एलो नहीं नहीं मारिया ऐसे नहीं मारिया नहीं भाई मारिया नहीं आ रहा भाई सॉरी टाइम नहीं है यार जल्दी मैंने बोला नहीं जब तक मारिया नहीं करेगी आगे बढ़ेगा नहीं शो मैंने पिछली दफा ये किया था तो आपने कहा था मिसालें देके वाजिया मिसालें देके वाजिया 7 नंबर क्यों 7 नंबर बस नहीं मिसालें देके वाजिया 3 मिसालें दे मंदरजा जेल पास हो गया बंदा अच्छा कर रहा है शायद कर भी रहे और एनर्जी ड्रिंक बता दे कौन सा है तो गुड एनर्जी यस तो आप मुत्तफिक नादिया से हैं मुत्तफिक रुबीना से मैं किसी से मुत्तफिक नहीं हूं यही तो प्यारी बात है और ये एक अलग तो आपकी अपनी राय क्या है मेरी अपनी राय बता दी मेरे नंबर वाजे कर रहे हैं इस बात को कि क्या राय है हां नंबर नंबर तो दिए 7 नंबर तो कितने हो गए जी 4, 7, 7 नॉट बैड और जी ये था हमारा पहला ड्रामा जो कि
बिल्कुल ताजा ताजा ड्रामा था, अभी फर्स्ट एपिसोड है, अभी फर्स्ट एपिसोड है, आई एम श्योर कि ये ड्रामा आगे तक फर्स्ट एपिसोड की है, कुछ पता नहीं कि आगे जाके मैं 10 पे आ जाऊं और रवीना जी बिल्कुल जीरो पे चले जाए, कुछ पता नहीं है, मना हो गया मगर फिर कुछ पता नहीं है, बस हमारे यहां ये कि हम जो कहते हैं दिल से कहते हैं और सच कहते हैं, नहीं दिमाग भी है जो जो हां दिल एंड दिमाग, दिल की बात कर रहे कि हम एक्चुअली दिमाग से कहते हैं, नो ब्रांडिंग, दिल दिमाग जिगर नो पीआर गुर्दे शुर्दे सब चीजें इसमें इन्वॉल्व है, पीआर नहीं है बाकी सब है, हाँ पीआर नहीं है, कोई पैसे नहीं है। अच्छा जी, ये था पहला ड्रामा गुमशुदा मोहब्बत मेरी, यही है मोहब्बत गुमशुदा, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। अब जिस ड्रामे पे बात होगी उसका सेकंड सीजन आया और बहुत तारीफें की, स्पेशली रुबीना पर उसकी बहुत तारीफें की थी, जब वो आने भी वाला था उसके प्रोमो भी बड़े पहले की, मैंने बहुत बहुत पहले जब आने वाला था उन्होंने पहले वाले की भी तारीफें की उनका कि हम लुकिंग फॉरवर्ड है कि दूसरा कैसा आएगा, उसका नाम है बंदिश 2। बहुत कम हमारे ऐसे ड्रामा बनते हैं जो कि हॉरर जॉनर लिए हुए होते हैं, ये ऐसे जॉनर लिए हुए, वो कैसा लगा हमारे पैनलिस्ट को वो दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।